तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले रखा है और इसमें 2 कप दही डाल देंगे हम। कटोरी या कप कुछ भी ले लीजिए, आप एक माप बना लीजिए। ये करीबन 400 ग्राम दही है और इसे अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आपके पास मथने वाला ना हो तो आप मिक्सी में भी एक बार इसे चन कर लेंगे तो भी ये काफ़ी फ्लैपी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से क्रीमी हो जाता है। देखिए इस तरह से, अब ये मैं इसमें आधा कप शक्कर डाल दे रही हूँ। एकदम इस तरह से फ्लफी हो जानी चाहिए दही को, कर लेना है। और इसमें शक्कर को भी घोल लेना है, एक अच्छे से घोल लो उसका, जैसे घुल जाए। अगर आप पीसी शक्कर रखे हो पीसी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले रखा है, इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी मैं, और बहुत ही गर्म था पैन तो उसमें अब गैस को मैं धीमा कर दूँगी, एकदम स्लो कर दूँगी। डेरी मिल्क डाल दूँगी और उसे अच्छे से घुला देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है, जैसे कि दूध में मिक्स हो जाए, घुल जाए एकदम। और इसमें 2 चम्मच मैं कंडेंस मिल्क डाल दे रही हूँ। कंडेंस मिल्क डालने से क्या होता है, ये जो हम चॉकलेट डालेंगे दोनों का फ्लेवर मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। फिर जनरली बच्चे अगर लस्सी ना पीते हो जिसके घर में, इस तरह से पिलाइए, बच्चे बहुत प्यार से पियेंगे। ये हो गया है, इसलिए गैस को बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने दूध ले रखा है, ये आधा कप तक दूध है जो चाय पीते हैं जिस कप से। इसमें थोड़ा सा मैं केसर डाल दूँगी, ये मैंने केसर वाला दूध ठंडा हो गया मैंने डाल दिया था। अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़े से पिस्ते डाल दूँगी, 10-12 कम से कम, और इसे चन कर लेंगे। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। तो मैं एक ग्लास में क्या करूँगी, एक जो हम जिससे दाल वगैरह निकालते हैं उस तरह से बड़ा ले लेंगे चम्मच, उस चम्मच से इसमें हम दही डालेंगे। और इसमें जो मैंने दूध और पिस्ता चन किया था मिक्सी में उसे डाल देंगे और उसके ऊपर से दही डाल देंगे। ऊपर तक मैंने इसे भर दिया, इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पिस्ता से डेकोरेट कर देंगे। बारीक बारीक पिस्ता मैंने कट कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने एक दूसरी ग्लास ले रखी है और उसमें भी मैं दही डाल दे रही हूँ। मैंने 2 चम्मच पहले इसमें दही डाल दिया है और वो जो चॉकलेट मैंने पकाई थी, मेल्ट किया था, उसे इसमें डाल देंगे और ऊपर से दही डाल देंगे। ये हो गया हमारा, इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने एक जार ले रखा है, इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं। तो इसमें मैं एक पान डाल दूंगी, बाजार में बड़े आसानी से पान मिल जाता है, उसे चन कर लिया है मैंने। चलिए यहाँ ग्लास में इसमें 3 चम्मच हम दही डाल देंगे। दही इसमें ऊपर तक आधा ग्लास डाल दूंगी मैं, इसमें ये ग्लास में डाल दे रहे हैं। पान की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे किचन में, मैं क्या बताऊँ आपको। आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना टेस्टी बनता है पान की लस्सी। इसे मिक्स कर दूंगी मैं 1 चम्मच की मदद से। फ्रेंड, 1 ही चम्मच मत इस्तेमाल करिएगा, वरना सब में एक ही फ्लेवर हो जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा। सबके अलग अलग अपने टेस्ट होते हैं ना, सबके अलग अलग टेस्ट के मज़े लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए तैयार हो गया, इसे मैं रोज पेटल से डेकोरेट कर दूंगी।
तो यहाँ पे मैंने फिर से मिक्सी का जार ले लिया है और ये आधा बीटरूट है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। ऐसे तो लोग बीटरूट नहीं खाना चाहते, मैंने इसमें एक ही चम्मच बीटरूट लिया है। और यहाँ पे मैं ग्लास में लस्सी डाल रही हूँ, फिर से दही। आधा ग्लास हो गया, ये दो चम्मच मैंने डाल दिया इसमें, सॉरी मैं थोड़ा और डाल दे रही हूँ। और वो जो मैंने चन किया था बीटरूट को, उसे इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। ये मैंने आम ले लिया है बॉईल करके, आधा आम है ये, और थोड़े से पुदीने की पत्ती ले रही हूँ। काला नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई, इसमें मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया है। मैंने उसे चन कर लिया था, इसे ग्लास में डाल दे रही हूँ। और मैं यहाँ पे सोडा डाल दूंगी उसे उसमें। आप भुना हुआ जीरा जरूर इस्तेमाल करिएगा, मैंने दिखाया नहीं है, भूल गई हूँ इसमें दिखाना। और चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो ऊपर से। हाँ, अगर आप सोडा मिक्स करें तो थोड़ा आराम से मिक्स करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वरना सोडा के फ्लो से पूरा बह जाएगा ये। तो लीजिए बनके तैयार। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।